बैक टू माई चैनल इशारा एंड मैं हूँ स्मृति। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाइयां। आपको नए साल में बहुत सारी खुशियां मिले, बहुत सारी कामयाबी हासिल हो और ऊपर वाला हमेशा आपकी दुआओं को कबूल करे और ऊपर वाला हमेशा अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखे और नए साल में आप अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स पाओ और अपॉर्चुनिटी आपको मिले। ऐसा मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से आप लोगों के लिए मैं प्रे करूंगी। और चलिए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो डियर, आज मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट रिव्यू करने जा रही हूँ जो कि है एक आई शेडो पैलेट। डियर, मैंने अभी रिसेंटली, मेरे पास तो फिलहाल एक ही आई शेडो था, काफी दिनों तक एक ही आई शेडो था जिसको मैं बेचारी पुअर चैप यूज करती रहती थी, जो कि था मिस गोल्ड का, मिस रोज गोल्ड, मिस गोल्ड का। एंड वो भी बहुत अच्छा पैलेट था एंड मैंने उसको काफी अपने मेकअप ट्यूटोरियल में भी आपको दिखाया होगा कि मैंने मेकअप ट्यूटोरियल में उसको बहुत ज्यादा यूज किया हुआ है। देन उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट मंगाया था वो ओडबो का था, उसका मैंने रिव्यू नहीं किया है अभी क्योंकि मैंने सोचा था मुझे 150 मेकअप अंडर 150 रुपीज का मुझे करना था, इसलिए मैंने उसको मंगाया था, बट अभी तक मैं कर ही नहीं पाई हूँ। एंड नेक्स्ट मैंने मंगाया था फिर वेट एंड वाइल्ड का, जो कि बहुत अच्छा था, रोज इन द हेयर शेड है, बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है। और उसके बाद मेरा फोर्थ या फिफ्थ जो आई शेडो पैलेट है वो है ये ग्लैम 21। तो डियर, जो आई शेडो का आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ वो है ग्लैम 21, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। डियर, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था एंड ये अप्रोक्स आई थिंक दैट 600 या 700 रुपीज का है, बट मुझको ये काफी परसेंट ऑफ चल रहा था तो उसपे मैंने, मुझे मिल गया था ये 320 रुपीज का, जो कि बहुत अच्छी डील है। और अगर मैं इसकी रिव्यू करूं, एक एक चीज का रिव्यू करूं, तो मैं आपको बताऊं, अगर मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूं डियर, तो लुक एट दिस, व्हाट अ ग्लैमरस पैकेजिंग। बहुत ही क्लासी, बहुत ही ग्लैमरस पैकेजिंग है इसकी और इसके ऊपर लिखा हुआ है ग्लैम 21 पेरिस लंदन न्यूयॉर्क प्रोफेशनल। मेरे ख्याल से ये आई थिंक दैट इंडिया का ब्रांड नहीं है एंड इसमें 51 कलर्स के आई शेडो है, जिसे मेंशन किया हुआ पैलेट 51 कलर आई शेडो। यू कैन सी ये इसमें लिखा हुआ है। देन ये इसकी आउटर पैकेजिंग है डियर और इसमें इस तरफ से भी काफी कुछ मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हो। ये 46 ग्राम्स का है जो मैं बता दूं और इसमें लिखा हुआ है मेड इन पीआरसी। पीआरसी का मतलब मेरे ख्याल से होता है पीआरसी, नहीं पता, आई डोंट नो कि मेड इन पीआरसी का मतलब क्या होता है, मुझे नहीं पता। और इसमें शेड्स होते हैं तो मेरा शेड नंबर है 01, यू कैन सी मेरा शेड नंबर है 01 और इसमें दो शेड्स आते हैं, एक 01 एंड एक 02 आता है और इसमें 51 कलर्स हैं। और इसकी जो आउटर पैकेजिंग है डियर वो कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है, काफी ह्यूज पैलेट है इसमें और ये कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है। मैं पहली बार इसको ओपन कर रही हूँ आपके सामने। नेक्स्ट अगर मैं इसके अंदर की बात करूं तो वाओ, इस टाइप से मुझे ये रिसीव हुआ। इसके अंदर भी जो इनर वाला है उसमें भी इन्होंने एक कार्डबोर्ड का ही दिया हुआ है अलग से सेपरेट, जिसमें कि इनर आपका जो आइटम है वो इनर इसमें भी सेफ है। देन मुझे इस टाइप से मिलता है जिसमें लिखा हुआ ग्लैम 21, इसमें प्लास्टिक की प्लास्टिक रैप है और मैं इसको अगर निकालूं आपके सामने, वाओ, ऑनेस्टली बताओ तो पैकेजिंग इसकी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है। आपका अंदर का आइटम तो पता नहीं क्या है भैया, बट पैकेजिंग बहुत ज्यादा क्लासी इन्होंने दी हुई है। तो इसमें एक साइड पोज में लड़की बनी हुई है एंड इसमें लिखा हुआ है वही चीज जो इसमें आउटर पैकेजिंग में था, वही चीज इसमें भी लिखा हुआ है।
पैलेट 51 आई शेडो और सब इसमें लिखा हुआ है। देन ओपन होने करने के लिए इस टाइप से यहाँ पे बना हुआ है, तो मैं इसको ओपन करके देखती हूँ। वाओ, तो ओपन करके आपको इतने सारे कलर्स मिल जाएंगे और साथ में आपको मिरर भी दिया हुआ है। मिरर के साथ भी इस टाइप से उन्होंने सेपरेटर दिया हुआ है। एंड ट्रस्ट मी डियर, मिरर की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। यू कैन सी मिरर की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है और इसमें जितने भी कलर्स हैं मैं आपको बता दूं, सारे के सारे शिमरी हैं, शिमरी और मेटालिक कलर्स हैं। और इसमें जो नंबर 2 वाला शेड आता है डियर, उसमें सारे शेड्स आई थिंक दैट मैट है या कुछ सेमी मैट एंड शिमरी है, मुझे नहीं पता। बट इसके तो सारे जितने भी शेड्स हैं वो सारे शिमरी हैं और बहुत ही ज्यादा ब्राइट कलर है। यू कैन सी कि बहुत ज्यादा सारे ब्राइट कलर हैं एंड इसमें आपको 2 एप्लीकेटर भी मिल जाते हैं, 1 एंड 2 आपको 2 एप्लीकेटर भी मिल जाते हैं साथ में। और ब्लैक है, ग्रीन है, पर्पल है, ब्लू है, गोल्डन है, ब्रॉन्ज है, कॉपर है, ग्रीन है। आई थिंक दैट दुनिया के सारे कलर्स इसमें आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास ये पैलेट है तो आई थिंक दैट आपको मैट के लिए एक अलग से आपको पैलेट लेना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसलेशन कलर के लिए आपको क्रीज रैंक क्रिएट करने के लिए आपको मैट कलर की जरूरत पड़ेगी। वरना अगर उसकी बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपके पास ये पैलेट है तो आपको दूसरे पैलेट की जरूरत होगी। ओके, चलिए अब हम लोग ने इतनी इनकी बात कर ली है तो हम लोग इसकी पिगमेंटेशन की बात कर ले कि पिगमेंटेशन इसका कैसा है। तो डियर, मैंने आंखों का वो मेकअप कर लिया है। मैंने आंखों पे जो आई शेडो लगाया है वो वेट एंड वाइल्ड का है, रोज इन द एयर का। इसको मैं लगाना भूल गई तो मैं इसको हैंड स्वैच करके आपको दिखाऊंगी। फिर अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके साथ जरूर मेकअप क्रिएट करूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी जरूर कि ये आईज पे कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है। तो मैं ये ग्रीन कलर लेती हूं एंड यू कैन सी, और यहां पे मैं आपको दिखाऊं तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा हाईली पिगमेंटेड तो पैलेट मुझे नहीं लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा हाईली पिगमेंटेड पैलेट नहीं है। बट आप जरूर इसके साथ बिल्डअप कर सकते हो, कलर आप बिल्डअप कर सकते हो कि अगर आप 2-3 बार लगाओ, जैसे मैंने ये रेड कलर लगाया था, अगर मैं इसको 2-3 बार स्वाइप करूं तो ये जरूर ये कलर आ जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा, यू कैन सी। और पिगमेंटेशन की बात करूं तो इट इज नॉट वेरी पिगमेंटेड, जैसे कि आपका वेट एंड वाइल्ड का पैलेट है जो कि एक बार में ही बहुत अच्छा से स्वाइप दे सकता है आपको, उसमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। बट इस रेंज में ये चीज मिलना प्रिटी गुड, अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाऊंगी, यू कैन सी और कलर्स आपको तो मैं पर्पल कलर्स में। बट डियर, मुझे इसकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि इसके सारे कलर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। मैं कहां दिखाऊं, इसके सारे कलर्स बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये आप जरूर इसको आप ट्राई कर सकते हो, किसी भी हल्के फुल्के फंक्शन में आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हो। ये बहुत ही डिसेंट लुक देगा आपके आईज पे। और अगर मैं थोड़ा सा इस पे अपने आईज पे लगा के जरूर देखूंगी, क्योंकि मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। तो मैं ये वाला शेड लगाऊंगी, ये वाला, और सिर्फ और सिर्फ अपने आईलिड पे लगा के देखूंगी कि कैसा वर्क करता है। यू कैन सी कि बहुत ही ज्यादा प्रिटी कवरेज दे रहा है आपकी आईज पे। तो अगर आप मेरी बात करो कि इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए पैलेट, तो आपको डेफिनेटली लेना चाहिए कि आपका इस रेंज में आपको अच्छा खासा पैलेट मिल जा रहा है। आपको सारे शिमरी एंड ग्लॉसी सारे आपको मिल रहे हैं इसमें आई शेडोज, और 2 आपको एप्लीकेटर भी मिल जाएंगे।
आई थिंक दैट इट इज क्वाइट डिसेंट डील. आपको 51 कलर्स मिल रहे हैं, थोड़े बहुत अप एंड डाउन है तो कोई बात नहीं, वरना फिर आप और महंगे में भी जा सकते हैं, बट 320 रुपीज में क्वाइट गुड आप ले सकते हो. सो ये था मेरा इस प्रोडक्ट का पूरा डेमो एंड रिव्यू. अगर आप लेना चाहते हो तो आप डेफिनेटली गो फॉर इट. आपको ये फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आप इसको लेना चाहो तो. सो डियर, ये था मेरा आज का वीडियो. आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल, जो कि बिल्कुल फ्री है, आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा, बट इट मींस मी अ लॉट. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय.